राम राम सभी भाइयों को। आज आपके सामने फिर एक नए वीडियो लेकर आए हैं, जहाँ ये देख रहे हो आप, यहाँ पे भगवान हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति का निर्माण होने वाला है, जिसका फाउंडेशन तैयार हो रहा है। ये प्राचीन शिव मंदिर है पंजाब के झरमड़ी गांव में, और मैं यहाँ वेल्डिंग कर रहा हूँ पंचमुखी हनुमान जी के फाउंडेशन की। जब तक फाउंडेशन तैयार हो रहा है, तब तक आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे भी आपको स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो आपको दिखाता जाएंगे, और साथ ही साथ में अब आपको ले चलते हैं भगवान शिव के मंदिर के दर्शन करवाते हैं, और चारों तरफ जो नज़ारा है वो भी देखिए। ये भगवान शिव का मंदिर है और हमारा फाउंडेशन तैयार हो रहा है अभी, सरिये मुड़ के यहाँ पे हमने लगा दिए हैं अभी। ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये 12 फीट की बनने वाली है, 12.5 फीट की, जो देख लो इस प्रकार से बना रहे हैं। इतना हमने अभी फाउंडेशन को भर दिया है, और देखते देखते इसका आकार अब आने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, आपको संपूर्ण मूर्ति के दर्शन भी करवाएंगे। और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको हमारी मूर्तियां कैसी लग रही हैं, और अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी करना। दोस्तों, ये बिल्कुल हाईवे के पास में बनी हुई है, ये झरमड़ी गांव में जो अंबाला कैंट से चंडीगढ़ की तरफ जो रोड जाती है, नेशनल हाईवे, उसके बिल्कुल पास में है। देखिए, यह हमारे आर्टिस्ट मोनू कुमार लगे हुए हैं। तो ये फ़िलहाल अभी तक इतना बन चुका है, अब कमेंट करके बताएं कि मूर्ति कैसी लग रही है फ़िलहाल। अब मैं इसमें गरुड़ भगवान का जो चेहरा है, रूप है, वो बना रहा हूँ। ये भगवान गरुड़ का एक चेहरा आता है इसमें। पंचमुखी हनुमान में जो पांच मुख होते हैं, उनमें एक प्रमुख मुख जो मैन मुख होता है वो हनुमान जी का होता है। उसके दोनों साइडों में जो एक साइड में होता है सिंह का रूप, एक साइड में होता है गरुड़ मुख, और एक वराह रूप होता है, और जो पांचवा मुख होता है वो हैग्रीव का होता है। इस प्रकार हनुमान जी के पांच मुख होते हैं, जो जिसको हम सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ हमने भगवान हनुमान जी के पैरों को बिल्कुल तैयार कर दिया है, तो देख के बता सकते हो आप कैसे लग रहे हैं आपको पैर हनुमान जी के। और फिलहाल ये काम चल रहा है हाथों का। दोस्तों, बारिश आ गई है अभी, और हम तब तक बारिश है तब तक भगवान शिव के मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। चलो आपको दर्शन करा देते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग के दर्शन करिए। ये बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों, 2000 साल 2500 साल पुराना मंदिर बता रहे हैं। दर्शनों के बाद फिर हम अपने काम पे लगे हैं, ये हनुमान जी की गदा तैयार कर रहे हैं। देखिए गदा कैसे तैयार कर रहे हैं सरिये से, और फिर यहाँ साथ पे ये इस गदा को लगाएंगे। ये गदा लगभग तैयार हो चुकी है दोस्तों, अब वीडियो में बने रहिए, आपको कंप्लीट मूर्ति के दर्शन भी करवाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फाइनली हमारा गदा तैयार हो चुका है, अब देखिए ये बिल्कुल तैयार है। तब ये थोड़ा पूंछ का काम है, ये पूंछ को यहाँ पे मजबूती से वेल्ड कर देते हैं ताकि हिले डुले नहीं। साथ में मुकुट का काम भी चालू हो रखा है, और हमने गदा भी लगा दी है, आप देख सकते हो। धीरे धीरे काम प्रगति पे है, वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है थोड़ा, लेकिन लगता है मुझे आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ।
और साथ साथ में ये भी बताना कि पूरी जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है इसका लुक कैसा लग रहा है आपको। ये पूरी मूर्ति दूर से साइड से ऐसे दिखाई दे रही है और पीछे का लुक धीरे धीरे मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है, सही नहीं आ रहा है। इस साइड से दिखाएंगे तो सही आ जाएगा, इस वक्त सही आ रहा है बिल्कुल। तो ये पीछे से देख के बताइए, चारों तरफ से मूर्ति का लुक आपको दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, चारों तरफ से घूम के आपको दिखा रहे हैं। ये प्राचीन शिव मंदिर, शनिदेव मंदिर झरमड़ी गांव में इस मूर्ति का निर्माण चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारी गदा भी तैयार हो चुकी है और लगभग मूर्ति फाइनल तैयार हो चुकी है। इसमें एक हाथ बाकी है जो जल्दी पूरा कर लेंगे। फाइनली दोस्तों, हमने ये वीडियो और ये मूर्ति दोनों तैयार कर ली है। वीडियो भी तैयार हो चुका है और मूर्ति भी आपके सामने बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी है आपको कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।